तो एक बार लाफा हो जाए फिर बेस्ट कमेंट को हमारी तरफ से गिव अवे मिलेगा। क्या गिव अवे मिलेगा? ऑसम रोल का साइज देखिए, पूरा चिकन फिल किया हुआ है। तो फोर्ट रोड की बात करें तो ये जर्मन बेकरी बहुत ही पॉपुलर है, यहाँ पर खाने को मिल जाता है और बेकरी यूनिक सी है, कॉफ़ी शॉप भी है, फूड भी है, बेकरी भी है। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास है। ये इसका एम्बियंस है। ये भाई साहब इसके ओनर है, क्या नाम है दादा? नकुल। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे? नकुल। नकुल जी, तो नकुल जी जर्मन बेकरी और साथ में क्या खोला हुआ आपने, रेस्टोरेंट खोला हुआ? किस नाम से दादा? गेस्मो रेस्टोरेंट। गेस्मो? हाँ जी गेस्मो। सो गेस्मो रेस्टोरेंट, और मैंने यहाँ का फूड ट्राई किया था परसों, स्नैक्स बेसिकली मोमोज बड़े अच्छे मिलते हैं, सैलड बहुत अच्छी है, और एक आपका रोल था बहुत मोटा वाला। ये लाफा रोल। लाफा रोल, इसराइली फूड लाफा रोल। हाँ जी लाफा रोल। एक बार लाफा हो जाए फिर हो जाए सर, क्यों नहीं। कोई क्यों, सबसे पहले मैं बेकरी की बात करता हूँ, वहाँ पर अभी थोड़ा सा रश है इसलिए, क्योंकि जो इनकी बेकरी है ना, दैट इज़ क्वाइट फेमस। देखिए यार बिस्किट के साइज़ देखिए, बहुत बड़े बड़े साइज़ हैं। 40 रुपए की एक कुकी है, ऐसे ही 40 रुपए की एक कुकी आ गई, 50 की एक पीनट कुकी आ गई, मूसली कुकी आ गई 50 रुपए की, मूसली बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए, चोको कुकी आ गई 40 रुपए की, चोको पीनट कुकी आ गई 50 रुपए की, कोकोनट कुकी आ गई 40 रुपए की, कैशियो कुकी आ गई 40 रुपए की। और ऐसे ही अगर केक्स की बात करें, वॉलनट केक 100 रुपए, प्लेन रोल सिनेमन रोल 60 रुपए, ऐसे ही बटर हनी केक 80 रुपए, इसका एक स्लाइस मिलता होगा, लेमन केक 80 रुपए, चॉकलेट केक 90 रुपए, चोको बॉल 20 रुपए। इस तरह से ये बेकरी काफ़ी फेमस है, और गेस्मो जो इनका रेस्टोरेंट दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट फेमस। तो इनकी बेकरी कब से चला रहे हो दादा? जी तो बहुत पुराना सर जी। कितने साल? 1996। और इनकी बेकरी वाकई बहुत ही फेमस है, और इसमें जो केक है, केक का एक स्लाइस देते हैं आप, राइट? जी ये पर स्लाइस भी होता है, जिसे कोई कभी किसी को हॉल चाहिए तो वो एक दिन पहले ऑर्डर करता है, एक दिन पहले, फिर हम उसका अगले दिन प्रोवाइड करते हैं। और कितने से कितने खुला होते हैं ये? एक्चुअली आजकल ये कोविड की वजह से हमने थोड़ा सा टाइम को लेट किया हुआ, नहीं तो ये सुबह 7 बजे खुल जाता हमारा, और ऑन डेली 11 बजे तक। और अभी क्या टाइम है फिलहाल? अभी 9 to 9:30 पूरी दुकानें बंद हो जाती हैं। आपको जो भी खाने हैं, इनके जो स्नैक्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट। मैं लाफा रोल बोलेंगे दादा, बिकॉज बेकरी तो मैं दिखाई रहा हूँ, लाफा चिकन, चिकन लाफा रोल, बिकॉज मैंने इनका परसों ट्राई किया था, एंड दैट इज़ क्वाइट फेमस, मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने वेज खाया था, तो मैं दोबारा खाने आया, मैंने सोचा इनका व्लॉग भी शूट होना चाहिए, हमारे चैनल पे आने चाहिए। लाफा ये सर, आपने वेज खाया था? हाँ। तो हमारे पास नॉन वेज का भी वैरायटी था। हाँ हाँ, तो दादा नॉन वेज में जो सबसे बढ़िया अच्छी प्रेजेंटेशन में, क्योंकि उसका जो साइज था ना, दैट वाज क्वाइट अपीलिंग। इटालियन रोल है ना वो? इटालियन रोल। एक आधी कुकी निकाल के दिखाइए। इटाली रोल है, इटाली। एक आधी कुकी का मैं साइज दिखाना चाहता हूँ। तो पहले बेकरी करते हैं, बेकरी के बाद खाना है गेस्मोस, राइट? और बड़े प्यार से ये दादा बड़े प्यार से खिला रहे थे परसों, मेरे को याद है, बड़ी हिम्मत से, बड़ी डेडिकेशन से खिला रहे थे। हम लोग 5 लोग आए थे अभी, पहचाना हमें? हाँ हाँ हाँ, तभी तो शूट करने आया हूँ, परसों बड़ा अच्छा लगा तो मैंने कहा शूट किया जाए इनका। हाँ ये जो दिख रहा है सर, हाँ ये प्योर पीनट और हनी से, हनी के थ्रू बनाया जाता है। प्योर पीनट है हनी? हाँ प्योर पीनट हनी, इसमें कुछ चीज़ एडिट नहीं है। हाँ और ये मूसली, प्योर हनी और मूसली के जितने भी इंग्रेडिएंट हैं इसमें मिक्स है। अच्छा, ये तो हेल्थ के लिए भी अच्छी होगी। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और बटर कुकीज होममेड। हाँ ये सभी होममेड है, सभी होममेड, सभी होममेड है हमारा। ये क्या? अपना ये पीनट चोको कुकीज। वाह जी वाह, तो मेरी फेवरेट, मेरे को तो ये लग रही है, क्योंकि ये हेल्दी भी लग रही है, मूसली हेल्दी भी है, और आप सुबह जैसे एक ग्लास दूध के साथ एक ले लो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा। और ये 50 रुपए की आई थी, 50 या 60 की? 50 रुपए की, और सीधा साइज, सीधा साइज ऑफ द, किलो के हिसाब से नहीं देते? किलो के हिसाब से, हमारे यहाँ पर किलो के हिसाब से मिलती है, यहाँ पर पीस के हिसाब से मिलता है, विच इज़ वेरी गुड एंड वेरी यूनिक ऑल्सो। तो ये भी ट्राई करेंगे, लेकिन इन चीज़ों में हम लोग जैसे कि ये हाँ। लोग डालडा और ऑयल्स ऐसे यूज़ करते हैं, हम वो चीज़ें यूज़ नहीं करते, वो चीज़ें नहीं यूज़ करते, इसमें ज़्यादातर बटर ही यूज़ होते हैं। अरे वाह, एक बार फिर से आपको एम्बियंस दिखा दूँ, छोटा सा रेस्टोरेंट बट एम्बियंस बहुत ही क्लासिक है, पूरा वुडन वर्क कर रखा है, और यहाँ पर खाना खाने का, बिकॉज बाहर मार्केट है, चलती हुई मार्केट है, और इस मार्केट के साइड में बैठ के खाना खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। मेरे लिए लाफा रोल आ रहा है, इसराइली रोल, ये क्या याक चीज़? अच्छा, ओ बाई गॉड, ये चीज़ मैंने चीज़ मैन ऑफ इंडिया से मिला था मनाली में, तो ये काफ़ी पुराना होगा ना? ये बहुत पुराना, तो जितना पुराना आपको, हाँ आपको एक चीज़ की बात बता दूँ, ये याक चीज़ पहली बात तो मिलता नहीं है, अगर इन्होंने यहाँ पर रखा है तो बड़ी यूनिक सी चीज़ रखी है। ये कैसे किलो के हिसाब से कैसे देते हो? किलो के हिसाब से, और मिनिमम इसका आपको 100 ग्राम तक मिलेगा।
कितने का है ये चीज़? ये भी है अभी इस वक्त ये सेल हो रहा है 2200 से 2400 के बीच में पर किलो। पर किलो 2200 से 2400 पर किलो। और चीज़ की खासियत है जितना पुराना हो जाए, जितना पुराना उतना ही महंगा और उतना ही अच्छा, क्योंकि इसमें जो बेसिकली जो जर्म्स होते हैं वो बहुत ही हेल्दी। तो ये भी मैं थोड़ा सा एक खिलाना सर, एक आधा छोटा सा एक। और भैया ये तो पता ही नहीं था कि इस बेकरी में बिल्कुल हल्का सा बस ज़्यादा हो गया। तो ये मैं छोटा सा पीसू खा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत कुछ खा के आया हूँ। और ये याक चीज़ फ्रॉम नेपाल हैविंग इट एट ले, कौन सा रेस्टोरेंट एक बार फिर से बता दो। ऑसम, थैंक यू ऑसम दादा। मैं मनाली में किया था एक चीज़ मैन ऑफ इंडिया जो स्पेन में भेजता था अपना चीज़। ये भी बहुत मतलब फॉरेन में भी जाता है, फॉरेन में भी जाते हैं। चलिए अब इनका लाफा रोल ट्राई करते हैं। तो अब बारी है भैया गिज़्मोस का लाफा रोल खाने की। भैया ये रोल मैंने 2 दिन पहले खाया था एंड आई बिकेम फैन। और आप भी इसका साइज और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको देख के इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो आने वाला भैया यहाँ से आने वाला है स्ट्रेट वे फ्रॉम द किचन एंड एम्बियंस देखो यार, सीधा एम्बियंस है ना, ब्यूटी विद टेस्ट। तो ब्यूटी विद टेस्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलेगा। आइए यहाँ पर कर देते हैं अपने इसको स्टैंड। फाइनली अपना लाफा रोल आ चुका है। ये कितने का दादा? ये 290 का सर। 290 का ये लाफा रोल। और रोल का साइज़ देखिए। हाँ क्या क्या रहता है दादा इसके अंदर? हमस सॉस रहता है, फ्रेंच फ्राई रहता है और वेजिटेबल सैलेड रहता है विद चिकन सर। राइट, सो चिकन। इसमें और ऑप्शन भी होता है, चिकन टिक्का लाफा होता है, शिपुडिन। ये कौन सा बना के दिए? ये वाला चिकन लाफा है। चिकन लाफा जी, ये जस्ट फ्राइड होता है। डीप फ्राइड होता है, डीप फ्राइड नहीं होता, शैलो फ्राइड। शैलो फ्राइड सॉसेज होता है इसमें, अपना 3-4 तरह के सॉस चलते हैं। अरे वाह। दो और ऑप्शन है, एक शिपुडिन करके है उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जाता है, हाँ वो ग्रिल्ड होता है। और ये देखिए यार ये हमस सॉस बाहर ही लगा दिए और पूरा सॉसी सॉसी है और अंदर भी रहेगा। और इसको अनपैक करते हैं। बेसिकली मैं परसों खाया था, वेज खाया था और वेज ही इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा नॉन वेज भी ट्राई करके देखते हैं यहाँ का। सो ये स्पेशली गिज़्मोस का लाफा रोल, सी द साइज ऑफ द रोल एंड यू विल बी अमेज्ड टू हैव दिस। और क्या क्या चीज़ें सर यहाँ पर यूनिक सी? देखो चिकन पूरा फिल किया हुआ है यार इस रोल पर। ये कौन सी पीता ब्रेड से बनता है? नॉर्मल। तो इसको और क्या क्या खास मिलता है यहाँ पर? शाक्शुका भी है हमारे पास। शाक्शुका प्रॉपर आता है, उसमें एग रहता है जो टोमेटो ऑनियन ग्रेवी में कुक होता है। हाँ हाँ। उसमें भी फ्राइज रहता है और इसराइली सैलेड साथ में विद पीता ब्रेड और हमस। अरे सुबह सो लेट सेवन इसराइली ब्रेकफास्ट टाइप। अरे वाह, तो इसराइली इंडियन कॉन्टिनेंटल सारी चीज़ें मिलेंगी। लेट्स हैव दिस। अमेजिंग रोल है। अगर आप यहाँ पर आए हैं और मे बी लंच करना हो या फिर डिनर करना हो, एक ही रोल काफ़ी है। एक रोल पे एक जन के, उसके बाद दूसरा नहीं खा पाएंगे। इतना हैवी और लाइट और अच्छा और हेल्दी सब कुछ है भैया। बहुत बढ़िया। तो टैग कर दीजिए उस फ्रेंड को जो ये रोल ट्राई करना चाहता है या फिर आपने ट्राई किया, तो आप भी टैग कर दीजिए विद अ नाइस कमेंट जो भी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस रोल को खाने का। और कोई लेह लद्दाख आया तो उस दोस्त को टैग कर दीजिए यहाँ के लाफा रोल का। ये लाफा ओला नहीं, लाफा रोल मैं खाता हूँ। थैंक यू। अमेजिंग। देखो यार पूरा चिकन फिल किया हुआ है, पूरा। तो भैया इसमें रोल खा लिया है, काफ़ी बड़ा था, एक बंदे के लिए मेरे को लगता है ज़्यादा होगा, 2 बंदे खा सकते हैं। इसमें फ्रेंच फ्राइज सैलेड और चिकन का कॉम्बिनेशन था और रोल का साइज़ बहुत बड़ा था और सॉस इज़ अमेजिंग। आ जाओ। तो भैया ये है बेकरी और टैग कर दीजिए उस दोस्त को जिन्होंने यहाँ पर बेकरी खाई है या फिर खाना चाहते हैं यहाँ पर आके ये चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, तो उनको टैग कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट लिख दीजिए। बेस्ट कमेंट को हमारी तरफ से गिव अवे मिलेगा। क्या गिव अवे मिलेगा? वो सरप्राइज होगा आपके लिए।